महंगाई को लेकर चर्चा करेंगे। देश में क्या स्थिति है, सरकार का क्या कहना है महंगाई को लेकर, आमजन किस तरह से परेशान है और विपक्ष किस तरह से सरकार को घेर रहा है, वो हम चर्चा करने वाले हैं। महंगाई एक ऐसा मुद्दा जो बेहद सियासी है, और सियासी इसलिए क्योंकि ये केवल विपक्षी दलों को ही नजर आता है, विपक्षी दल की इसे भुनाते हैं। सत्ता में बैठी सियासी पार्टियां अक्सर इसे ना तो देख पाती हैं, ना कि सुन पाती हैं, और ना कि मानने को तैयार होती हैं कि महंगाई जैसा कुछ है और उसे नियंत्रित करने की या कम करने की जरूरत भी है। आज खबर की तह तक में हम इस बात की तह तक जाएंगे कि क्या महंगाई केवल सियासी मुद्दा है या फिर राजनीतिक दलों को वाकई जनता और जनता के किसी भी मुद्दे से कोई सरोकार है। सवाल यह भी होगा कि क्यों विपक्षी नजरें ही महंगाई को देख पाती हैं, या फिर सरकारें कभी महंगाई को नियंत्रित करने की दिशा में कोई काम करेंगी, कोई कदम उठाएंगी। ये रिपोर्ट देखें। विपक्ष इन दिनों महंगाई को लेकर सरकार पर हमला करते हैं। अब एक बार फिर से कांग्रेस ने महंगाई और खास तौर पर तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोर्चा खोला, और मोर्चा भी ऐसा खोला कि आम जन से न केवल पूछा गया बल्कि हस्ताक्षर भी लिए गए कि क्या आप बढ़ती तेल की कीमतों से संतुष्ट हैं या फिर नहीं। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस के अलग अलग नेताओं की अगुवाई में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, तो वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हरियाणा के गुरुग्राम में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा की अगुवाई में सरकार को घेरा गया। आम खर्चों के लिए पैसा नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, गृहिणी को घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, हमारे युवाओं को अनेकों इम्तिहान देने के लिए उसकी फीस देने के लिए पैसा नहीं है। ये आप किसी भी मिडिल क्लास से किसी से पूछ लीजिए, ना रोजगार मिलता है, ना महंगाई से निजात है, और इन सब चीजों का एक मूल कारण है, और वो है कि ये मोदी सरकार और खट्टर सरकार, इनकी गलत नीतियां, इनकी मुनाफाखोरी, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाने का एक ही कारण है, और वो है मुनाफाखोरी। अंबाला में भी कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान के जरिए सरकार को सवालों के घेरे में लिया। महंगाई और पेट्रोल के बढ़े हुए दामों को लेकर कांग्रेस आज प्रोटेस्ट कर रही है, और इस समय हम अंबाला में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये लोग जो हैं सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पेट्रोल के दाम जो हैं वो कम हुए या नहीं हुए। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता हाथों में इस तरह के बैनर लेकर पेट्रोल पंप पर खड़े हैं, और यहां पर ये लोग आने जाने वाले लोगों से जो है ये फॉर्म भी भरवा रहे हैं, और ये पंप के ऊपर जो भी लोग तेल डलवाने आ रहे हैं ये उनके पास जा रहे हैं, उनसे जो पूछ रहे हैं कि जो ये बड़े हुए तेल हैं, क्या आप लोग जो हैं इन बड़े हुए तेल के जो दाम हैं उनसे संतुष्ट हैं या नहीं है। और ये फॉर्म में आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं इस फॉर्म में ये लोग जो हैं उनके नाम लिखवा रहे हैं और साइन करवा रहे हैं, और उनसे पूछ रहे हैं कि क्या ये सेटिस्फाइड हैं। अच्छे दिन तो मोदी जी ने दिखाए अंकल जी, अब क्या कांग्रेस के बुरे दिनों में वापस जाने? ये आप क्या साइन करवा रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं लोगों से? We are asking that they are satisfied or not with the Modi government. Modi ji ne अच्छे दिन दिखाए हैं, तो हम पूछ रहे हैं क्या कांग्रेस के बुरे दिनों में जाने के लिए जनता खुश है या नहीं है। उधर करनाल और करनाल के अलावा भिवानी में भी कांग्रेस नेताओं ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नारेबाजी करते हुए सरकार पर जुबानी वार किया। पेट्रोल के दाम 98.70 रुपए पहुंच चुके हैं और डीजल के दाम 90 रुपए के पार पहुंच चुके हैं। इसी के चलते कांग्रेस ने चलाया है आज हस्ताक्षर अभियान, और ये तमाम लोगों के हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं सरकार के खिलाफ, और ताकि पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सरकार पर
दबाव बनाया जा सके। आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार महंगाई का प्रहार, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में हस्ताक्षर अभियान, और हमारे साथ कुछ कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। किस तरीके से ये हस्ताक्षर अभियान आप चला रहे हैं, क्या इसका एक मुख्य उद्देश्य है? पेट्रोल पंप पर जो भी आते हैं उन सभी से पूछा जा रहा है, वो सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दुखी हैं और कोस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी ने पूरे भारत के साथ छल किया है, अच्छे दिनों के सपने दिखाकर हमारे को मरने के लिए मजबूर करती है। कोई आदमी कोई अपने रिश्तेदार की शादी में भी जाना नहीं चाहता क्योंकि पेट्रोल में इतना जान पैसा देना पड़ता है कि सगन डालने की हिम्मत नहीं रहती। आज हम पेट्रोल पंप सेक्टर 9 पर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता खड़े हैं, यहाँ पर 200 से ज्यादा वकील, बिजनेसमैन, आम आदमी सभी दुखी हो चुके हैं, सभी ने सिग्नेचर अभियान कराया है। आज हमारा जो है खासकर मांग है डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और सरसों का तेल जो महंगा हुआ है उसके बारे में आज ये प्रदर्शन किया गया है। वैसे तो पूरे जो हमारे जीवन के अंदर जो चीज़ें यूज की जाती है, वस्तुएं खाने की सब महंगी हैं, सुई से लेकर के आटा दाल तक, जबकि नून मिर्च सब कुछ महंगा है जो सबके काम आता है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि इसको जल्दी से महंगाई को नीचे करें। जाहिर है पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत आम आदमी की कमर तोड़ रही है, तेल की कीमत बढ़ने से महंगाई भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि विपक्ष तो आम जन का हितैषी होने का दावा कर रहा है, लेकिन विपक्षी दावों से कम कोई राहत मिलती तो नजर बिल्कुल नहीं आ रही। विपक्ष के आरोप हैं कि बीजेपी विपक्ष में रहते हुए पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों पर प्रदर्शन करती रही, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हैं तो भी जनता पर बोझ डाला जा रहा है। लिहाजा अब देखना यह है कि क्या विपक्ष के आरोप और प्रदर्शन से आम जन को बढ़ती कीमतों से कोई राहत मिल पाती है या फिर ये सिलसिला राजनीतिक वार पलटवार तक ही सीमित रहेगा। ज्योति सांगवान, खबरें अभी तक। के एडिटर नासिर कुरैशी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नासिर, महंगाई को लेकर एक रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई, महंगाई को लेकर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों विपक्षी दल की महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं। अब जो सत्तासीन दल हैं वो विपक्ष में रहकर बहुत सारे प्रदर्शन करते थे, और ऐसा क्या होता कि सरकार में आने के बाद ना तो महंगाई दिखाई देती है ना महंगाई नियंत्रण को लेकर कोई बातें या दावे ही किए जाते हैं। ज्योति, महंगाई को लेकर हमारे देश में हमेशा से चुनाव के दौरान मुद्दे उठते हैं और ये चुनाव का मुद्दा बनता है, और बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो उस वक्त महंगाई एक बड़ा मुद्दा था 2014 की अगर बात की जाए, और एक नारा उस वक्त दिया गया था, बड़े बड़े अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट आप टीवी पर देखते थे, हम देखते थे, और एक नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार बीजेपी सरकार। लेकिन महंगाई पर कोई भी सरकार कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो पाई और फिलहाल बीजेपी भी नाकाम लग रही है। अर्थशास्त्र में बहुत से नियम होते हैं महंगाई को लेकर, कहा जाता है कि जब मांग बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अभी मांग बढ़ नहीं तो फिर इस तरह के हालात क्यों हैं? क्योंकि लोगों की जेब में पैसा नहीं है, और असर इसलिए ज़्यादा महंगाई का लोगों को महसूस हो रहा है क्योंकि कोरोना ने लोगों की जान ले ली है, उनकी जेब पर असर डाला है, दुकानें बंद रहीं, कारोबार बंद रहे, नौकरियां लोगों की छूट गई, और उसके बाद लोगों को और ज़्यादा इसका एहसास हो रहा है। अर्थशास्त्रियों से अगर बात की जाती है तो मैंने जिस तरह से बताया कि सामान्य नियम है कि जब बाजार में मांग होती है तो महंगाई बढ़ती है, लेकिन अभी ऐसी मांग भी नहीं, इसके बावजूद भी कीमतें बढ़ रही हैं, लोग बच रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा खरीदारी करने से, बहुत से ऐसी जो चीज़ें हैं ज़रूरत के अलावा बहुत से लोगों की ख्वाहिशात की चीज़ें होती हैं उससे लोग बच रहे हैं इस दौरान। इसके अलावा फिर कहा जाता है कि महंगाई बढ़ने से अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होता है, लेकिन ये स्थिति तब बेहतर मानी जाती है जब हालात सामान्य हो, तो अभी हालात सामान्य नहीं है, और इस वक्त पेट्रोल की जो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, फिर बार बार किसी से पूछा जाता है कि क्यों बढ़ रही हैं, तो नेता कहते हैं, सरकार से जुड़े लोग कहते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है, जबकि हर चीज़ सरकार के हाथ में होती है, बहुत सारी कोशिशें की जा सकती हैं, और ये जो वक्त है महंगाई को लेकर प्रदर्शन शुरू हो चुकी हैं, लोगों पर असर इसलिए ज्यादा पड़ रहा है जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि लोगों के कारोबार, बेरोजगारी बढ़ रही है, कारोबार घटे हैं, लोगों की अगर बात की जाए तो कोरोना की वजह से स्वास्थ्य पर लोगों का ज्यादा खर्चा बढ़ चुका है, दवाओं पर लोगों का ज्यादा खर्चा बढ़ चुका है, तो इस तरह से लोगों को महसूस हो रहा है, और इस वक्त सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता महंगाई को कम करना ही होनी चाहिए। और बिल्कुल नासिर, देखिए कांग्रेस मुख्य तौर पर और यूपी की आप बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी भी चूंकि प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस कहती है कि यूपीए सरकार में जिस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत ज्यादा होती थी तब भी हम ये मैनेज करते थे कि जनता पर ज्यादा बोझ इस बात का ना हो, लेकिन आज जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम है तो भी सरकार कम पैसे में या कम रुपए में
क्यों नहीं उपलब्ध करवा पा रही है। और दूसरा सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि अगर कंपनियां की दाम तय करती हैं तो जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां कम कैसे हो जाती है पेट्रोल डीजल के दाम तुलनात्मक रूप से? तो इससे फिर जनता ये आइडिया लगाती है कि सबको सरकार के हाथ में होता है, सरकार और सरकार से जुड़े लोग कहते हैं कि कंपनियां तय करती हैं। अच्छा, हालांकि इसमें कोई शक नहीं, कंपनियां तय करती हैं, लेकिन क्या वाकई में कंपनियां सब कुछ कर सकती हैं? इसमें लोग ये कहते हैं कि नहीं, सब कुछ सरकार कर सकती है। हालांकि अभी जो अर्थव्यवस्था, हम चीन की और अमेरिका की बात करें तो वहां की अर्थव्यवस्था भी बेहतर हो रही है और इस वजह से कच्चे तेल के दाम भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका असर हम पर पड़ रहा है। अब हमारी सरकार किस तरह से इस चीज को बेहतर करे? दूसरी चीज ये कि हम अपने पड़ोसी देशों की जब बात करते हैं तो वहां पर पेट्रोल हमसे बहुत कम रेट में मिल रहा है, डीजल हमसे बहुत कम रेट में मिल रहा है और वहां की अर्थव्यवस्थाएं और ज्यादा खराब है, तो हम क्यों उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? तीसरी बात यह है कि पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर से उठते हैं, तो जो आज बीजेपी के नेता हैं वो आज अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की बात करते हैं। जब पिछली बार, जब 2014 से पहले जब अंतर्राष्ट्रीय कीमत के हिसाब से पेट्रोल के दाम बढ़ते थे, तो तब उनके पास बहुत सारे फॉर्मूले होते थे कि इस तरह से कम हो सकती है, इस तरह से कम हो सकती है, तो आज उन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करें ना आप। बिल्कुल नासिर, बहुत शुक्रिया नासिर, तमाम बातचीत आपने की। और तो दो मुद्दों को लेकर खबर की तह तक में हमने चर्चा की है, एक पीएम के काशी दौरे को लेकर और दूसरा महंगाई को लेकर। इसी के साथ दीजिए इजाजत, और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।